मेरा सभी हमारे साथियों से निवेदन है कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो भी बात करूंगा आपके और हमारी इस पार्टी के हित की बात करूंगा, सब लोग मिल जाएंगे, 5 मिनट आगे जाएगी भैया, सभी लोग अपन भोजन साथ में करेंगे। आज भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गोविंदपुरा विधानसभा कई कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से इस क्षेत्र के वृद्ध पुरुष और हम सबके नेता परमारण्य श्री कर्ण सिंह जी, इस क्षेत्र के जावाय नेता परमारण्य श्री गोविंद गोयल जी हमारे बीच में, इस भोपाल शहर से हमारी बहन दीदी लड़ी हुई महापौर का चुनाव लड़ी आदरणीय श्रीमती आभा सिंह जी, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जावाद जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष और मेरे बहुत प्रिय अति प्रिय भाई आदरणीय श्री मोहन सक्सेना जी, हमारे बीच में हम सबके सीनियर नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री किशन राजपूत जी, हमारे बीच में मैं एक छोटी सी वजह दूंगा आप लोग का बोले बहुत सारे नाम है, एक नाम और लूंगा कभी सबके लूंगा सबके मालूम है मुझे, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस बात को चीख भी मार रहा हूँ थोड़ा लग जाता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के पेड़ पढ़ के समझ जाता हूँ सबके नाम ले रखा हमारी बहने बेटी आएगी दीदी आएगी प्रभावी उनका बताओ, तो मैं एक हमारे आरणीय मेरे बहुत प्रिय रामबाबू भाई ने 4 साल से मेरा हौसला बढ़ाया है क्योंकि इनने टिकट मांगा था बहुत दमदारी से पार्टी ने, हम दोनों का पहले ही संकल्प ले लिया था कि भाई आपको मिलेगा तो मैं आपके साथ हूँ और मुझे मिलेगा तो वो कायम है और मैं भी उनके हर बात पे कायम हूँ और हमेशा चार आंखों पे आपकी जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया उसके लिए मैं जैसे आभारी रहूंगा आपका। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं सबके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ, हमारे बीच में जैन दीदी आई हुई बात से प्रभावी उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ, हमारी सभी दीदियाँ दीदी मैं क्षमा चाह रहा हूँ नाम नहीं लेना सकता, हमारी बहनों के चरणों में वंदन अभिनंदन। अभी बहुत सारी बातें दादा ने भी कही सबने कही बहुत सारी 80 से 100% सत्य बातें कही, गोविंदपुरा आदरणीय राजा साहब जब लोकसभा चुनाव लड़े तो मैंने जाके साफ सफाई के साथ गोविंदपुरा में काम करूंगा, तो काम बोला मैं तो बहुत कठिन कैसे करोगे, मैं गोविंदपुरा में देता हूँ बहुत सब विधानसभाओं में तो बहुत सारे नेता हैं वहाँ गोविंदपुरा में भी जुड़ जाऊंगा तो मैं जितना कर सकूंगा करूंगा, जब से साहब ने मुझे यहाँ गोविंदपुरा में लोकसभा में मेरे को काम दिया और मैंने वहाँ काम भी किया और उस समय राजा साहब सबसे ज्यादा वोटों से गोविंदपुरा हारे थे, मुझे बहुत दुख भी हुआ लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं उस समय लेहर थी, फिर मैंने निरंतर क्षेत्र में चाहे कोरोना काल रहा हो सभी जानते हैं या जो भी स्थिति रही है आप लोगों के बीच रह के आप सबके सहयोग से सभी हमारे सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से जनता की लड़ाई लड़ी है किसी भी मुद्दे पर रही हो या किसी भी। अब पार्टी के शीर्ष नेता ने मुझे ने एक छोटे से कार्यकर्ता जिसका कोई राजनीतिक करियर नहीं है, इस हमारे परिवार में ना कोई नेता है ना कोई भी राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं खुले दिल से 1000% कोटी कोटि धन्यवाद देता हूँ परम आदरणीय राजा साहब को, परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी को और परम आदरणीय राहुल गांधी जी को, शीर्ष नेतृत्व को कि मुझे से छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मैं ये वादा भी करता हूँ क्या रिजल्ट होगा चुनाव में इसकी चिंता जिस दिन से मैंने टिकट मांगने का प्रयास किया था उसी दिन छोड़ दी थी, अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, वो मैं घर से सोच के निकलता था कि मैं चाहे कुछ भी हो इस क्षेत्र में काम करूंगा और अपने जितने भी मेरे भाई साथी हैं युवा साथी हो या सीनियर लोग हो सबको लेके, लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मतभेद भी होते हैं, मेरा आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारे सभी भाई लोग जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जीवन में मनभेद कभी ना रखें क्योंकि मनभेद कभी खत्म नहीं होते, मतभेद हम कभी हमेशा कभी भी खत्म कर सकते हैं, तो आप लोग भी आज मेरे छोटे भाई बेटे पे बड़ों को तो नहीं सिखा सकता कि मन में कभी भेद ना रखना, मतभेद तो कभी भी खत्म कर सकते हैं, तो मेरे जो मेरे भाई लोग नहीं आए उनसे इस मंच के माध्यम से मैं फिर जाऊंगा उनके घर,
उनसे बोलूंगा कि चलिए आप समय आ गया है इस क्षेत्र में इस पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। गोविंदपुरा में भी हम परिवर्तन करके इस बार इतिहास रचेंगे, क्योंकि आप देखिए इतने सीनियर लीडर, इतने लोग, इतने मेरे साथी आज 7-8 सौ के संख्या में, और इसमें सब मेरे प्यार, मेरे कांग्रेस पार्टी के प्यार में आप लोग यहाँ 3 से 4 घंटे से आप इतनी संख्या में यहाँ रुके हुए हैं। मैं सबका हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारा धन्यवाद, और सभी शीर्ष नेता की तरफ से आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हमें दादा आपने बिल्कुल सही को बोला, इतनी भीड़ देख के मुझे आज भी कोई भी गलतफहमी नहीं है, कोई भी गलतफहमी नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, भीड़ से चुनाव नहीं जीता जाता। बूथ है मोनू भाई, मेरे बहुत प्रिय साथी, हम इनने मुझे देखा, इनके बड़े भाई के साथ मैंने राजनीति चालू की थी हमीदिया कॉलेज से 1994-95 से, इनको भी देख के मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैं हमेशा कहता आया हूँ किसी भी व्यक्ति से उसके अच्छे गुण सीखो, बुरे मत सीखो। मैं अपने जीवन में जो भी पाया है मैंने अपने संस्कारों से, अपने कार्य करने की शैली से पाने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी की लाइन छोड़ने नहीं की है, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश की है, इसी को लेके मैंने इस क्षेत्र में और अपने राजनीतिक करियर में काम किया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम आज से, मैंने जिस दिन 19 तारीख को रात को 12 बजे 11 बजे मेरे को टिकट की खबर लगी थी, उस दिन से आज तक मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हमारे साथी लूट रहे हैं। मुन भाई भी डांट चुके कि आप क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं। मैंने प्रिंट कर रखा है जब तक सबको नहीं बुलाऊंगा, जब तक सबके साथ नहीं बैठूंगा, जब तक यहाँ चुनाव आ जाऊंगा नहीं जाऊंगा। नवरात्रि का दशहरा पर ये पर रोज भीड़ बढ़ रही, मेरा भी वीपी बढ़ रहा है क्योंकि मुझे क्षेत्र में जाना था, और जब मैं निकलूंगा पक्का तो मैंने बोला आप लोगों सबसे 12 नहीं 14 घंटे चला, आप मुझे 16 घंटे चला, 2 घंटे सोऊंगा, और अभी भी मैं 2 घंटे सो रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत सारी वादे हुई, मैं जैसे जाले जी ने चुनाव हारने के बाद विधानसभा नहीं छोड़ी, मैं आखिरी दम तक यही हार नहीं मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं यही मरूंगा और यही से मेरी अर्थी जाएगी इसी विधानसभा से। हिम्मत नहीं हारूंगा, मुझे टिकट आगे मिले नहीं मिले, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जीतू नहीं जीतू उससे कोई मतलब नहीं। मैं सच बताऊं तो मैं किसी लालच से आए नहीं, मैं जब नंदा जी की परिक्रमा में चला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दुनिया में इतनी दूर आके, मुझे वहाँ कुछ आत्मसंतुष्टि आत्मबंधन हुआ, तो मैंने विचार किया कि मैं जो और ज्यादा जनता के बीच जाके उनकी सेवा करूं, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं एक क्षेत्र चुनना पड़ेगा, और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि गोविंदपुरा चुन के हम ये जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मेरा आप युवा साथियों से एक ही निवेदन है कि हम सब मिलके कल हमारा हम चुनाव प्रचार चालू कर रहे हैं, सब बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं, भैया बैठे हैं और हमारी बहनें बैठी हैं, हम 8 भवन से कल चुनाव का आगाज करेंगे, कल से प्रचार में निकलेंगे। तो आप सब लोग कल सुबह सागर आमंत्रित 10 बजे, थोड़ा टाइम चेंज किया मुन्नू भाई जी ने, तो सुबह 8-7 बजे कुछ लोग मिलने जुलने बुलाना बहुत जरूरी है, तो 10 बजे हम लोग एक जगह डिसाइड करके रात को मैसेज चल जाएगा, आप लोग सब एकत्रित होना है। सबसे मेन 2-3 मुद्दे और बात करूंगा आपका, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल हम लोग एक्चुअल में अभी क्या कर रहे हैं कि मैं पिछले बहुत सालों से कांग्रेस का यहाँ काम देख रहा हूँ, सब लोगों के फीलिंग भी समझता हूँ, हम फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, हम दूसरी चीजें तो फेसबुक फॉलो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शेयर नहीं करते, तो हम जनता के बीच पहुंचेंगे कैसे। मैंने इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं कही है, लेकिन मेरा किसी ने भी, मैंने तो और किसी से कुछ मांगा ही नहीं, मेरे से जो हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया, मुन भाई हमारे भाइयों ने मेरे जिनने साथ दिया, क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया, मैंने तो ये सोचा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माता बहने मेरी पोस्ट भी शेयर कर देते तो मैं उस जनता को ये पैगाम तो देता कि हमने यहाँ एक धर्म में लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हमने तो आस्था के नाम पे यहाँ पे यात्राएं की थी, वो शेयर हो जाती तो और मैसेज जाता और माहौल बनता, जो भी बना उसे हम 500 गुना प्लस होते। तो मेरा निवेदन है कि ठीक है, अब जो भी है आने वाले 20 से 25 दिन मेरा पैर पड़ के हाथ जोड़ के निवेदन है, हम कांग्रेस की जो भी कार्य जैसे आज ये सभा हुई हमने ये सब शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। आप देखिए मोदी 2014 में उठा के देखे कैसे सोशल मीडिया से नाम जीतने मुन्नू भाई डाला। तो मेरा निवेदन है आप चाहते हैं हम लोग यहाँ मजबूत हों, जैसा चाचा जी ने बोला कि आप मुझे जिताएंगे, तो मुझे नहीं आप सब विधायक बनेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और मैंने मंच की राजनीति कभी की ही नहीं, आपने मुझे आज तक किसी मंच पे देखा नहीं होगा, मैं मेरे समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ, जिला अध्यक्ष जो मजबूरी रहती जब चला जाता मंच पे, मेरे बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे मंच का कभी शौक रहा नहीं,
मैंने तो सोचा कि मैं अपने आप को उस लायक बनाऊं जब मुझे मंच पे बैठने मिले तो आप लोग आमंत्रित करो। जबरन मैंने मंच पे बैठने की कभी कोशिश नहीं की, तो मेरा निवेदन है और मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा ना मैं कोई आपसे इमोशनल टच करना चाह रहा हूँ, ये मेरा नेचर है। मैं बस पूरा सम्मान देता हूँ, मैं छोटे को भी भाई करके बोलता हूँ, बड़ा भैया करके बोलता हूँ, सबको सम्मान देता हूँ। दिखावा मेरा नेचर ऐसा, मैंने बचपन से सीखा मेरे दादाजी से कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगी। तो मैं सम्मान देता हूँ और सिर्फ सम्मान का भूखा हूँ, जो देता उसको भी प्यार करता हूँ और जो नहीं देता उसको भी प्यार करता हूँ। तो मेरा आप जोड़ के हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार हमने बहुत मेहनत की सब आप भाई लोग, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनने मेरा पूरा 4 साल साथ निभाया और जिनने नहीं निभाया वो भी मेरे भाई है, और ऐसा किसी ने नहीं किया जिनने मेरे को सबने मदद की है। अभी कुछ समय तक मंदिर टिकट मांगने से हुए हैं, वो हम सब एक दो दिन में खत्म कर लेंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं कुछ 2-3 चीजें और बोलना चाह रहा हूँ। मुझे कार्यालय में सीनियर लीडरों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, दादा आप, चाचा जी आप, प्रदीप भैया, जो हमें राम बाबू भैया जो मुझे माफ दिन मत दे सकता है, कार्यालय में आइए, हम रूपरेखा बनाए। आप कार्यालय संभाल लोगे तो मेरी शक्ति 500% बढ़ जाएगी, मैं लिख के देता हूँ। आप मुझे आने ही मत दो कार्यालय, मैं घर नहीं जाऊंगा, 3 घंटे कहीं और सुला दो, आप 1 महीने घर छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा सूटकेस लेके क्षेत्र में गली गली पड़ा रहूंगा, लेकिन कार्यालय आप लोग संभालो। मैं चाहता हूँ घर तो मैं भी लूंगा, लेकिन मेरे करने में और आपके करने में कभी जो सीनियर करेंगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सबको 20-50 साल का एक्सपीरियंस है, आप आइए बैठिए, जो चाहिए हमारे लोगों को बताइए, हम सब मिलके करेंगे। मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन, सीनियर भाई बहन अंकल दादा लोगों से निवेदन है कि आप लोग कार्यालय आ जाइए, जिसको भी जो देश और मेरे रामो भाई ने मुझे बोला भी संभालेंगे, दादा ने भी बोला है, मेरे चाचा जी ने भी बोला है, दीदी आप भी आइए क्योंकि आपका भी बहुत आशीर्वाद और हमें सहयोग की जरूरत है। हमारी बहनें बेचारी प्रचार कर रही है, बहुत दिन से दीदी आई हुई है, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से बोला आप क्यों नहीं जा रहे, मेरी धर्म पत्नी कहीं अभी 2-3 बाटों में चले गए तो बहुत लोग बुरा भी माने हैं, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि कोई सब मुझसे कह रहे आप प्रचार पे नहीं जा रहे हैं। दीदी आ गई थी तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसे ही घूम लो, आप स्टार्ट तो करो, थोड़ा माहौल तो बने, क्योंकि मैंने रन कर रखा था जब तक सब बैठेंगे नहीं हम प्रचार पे नहीं निकलेंगे। तो मेरा निवेदन है कल से सभी जितने भी यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो पार्षद लड़ चुके हैं, जो मंडलम अध्यक्ष हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी आगे कार्यालय से ले लें, सबके हम लोग कार्यालय खोलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी। दादा ने बोला कि अपने अपने क्षेत्र में लग जाए, कोई मेरे रैली प्रदर्शन में ना आए, मेरे प्रचार में ना आए, प्रचार में जहाँ भी जाऊँ वहाँ लोकल के लोग रहेंगे तो उतनी ताकत मिलेगी जितनी की मुझे चुनाव जीतने में मजा गया। इसलिए आप लोग अपने अपने वार्ड में ही काम करें, कल से ही पेट्रोल सामग्री ले लें, वहाँ से वोटर लिस्ट हमने 5-5 सीट बनवा रखे, वोटर लिस्ट ले लें, लोग मेरे पीछे ना चले, मेरे साथ घूमने में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद प्ले करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग एक महत्वपूर्ण बात, मैं 2 मिनट बस खत्म हो रही है, फोन आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन से टिकट हुआ मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाया, इतने फोन आ रहे थे चार बोल से तो बाबा हुआ जी नहीं, फोन ही नहीं उठा पाया बोल सो के तो, क्योंकि रेगुलर पीछे फोन क्योंकि मुझे जैसे छोटे से कार करता वो इतना बड़ा विधानसभा टिकट मिला, मेरे परिवार, मेरे दोस्त यार, मेरे चाहने वाले आदमी सब बहुत फोन कर रहे थे, मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी यही स्थिति है, मैं जैसे किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, 17 नवंबर तक आप मेरे लिए रविंद्र साहू के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कुछ विधायक के लिए जो आप बना सकते हो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे माफ करके क्षेत्र में लग जाए, नहीं कोई बात कर नहीं कर पा रहा है तो आकाश भाई है और भी लोग हैं, रामबाबू भाई कार्यालय में बैठेंगे, आप इनसे बात करें, ये मुझसे रात को बात करेंगे, जिसकी जो समस्या हम सब मिलकर उसको हल करेंगे, हम प्रचार में भी साथ जाएंगे। मेरे को आप क्षमा करें, 17 नवंबर तक मुझसे कोई गलती हो फोन उठाने में, आपसे 1-to-1 नहीं कर पाने में, 17 नवंबर बाद आप 17 नवंबर तक आप मुझे दे दो होशियार पूरा, मुझे आप यहाँ बोलोगे मैं आपके साथ हूँ, मुझे दे दो। इसी के साथ आप सब लोग यहाँ आए और इतना ज्यादा समय दिया, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। एक विशेष सूचना और व्यक्त करना है, विशेष